अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। एंड व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस लेक्चर इज व्हाट इज सेल साइकिल एंड व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट आर द फेजेस ऑफ माइटोसिस, एंड वी विल स्टडी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस इन डिटेल। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है, आप डायग्राम में देख रहे हैं सेल साइकिल क्या है। सो इट्स अ कंप्लीट साइकिल, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, और उस इवेंट्स में क्या है, पूरी एक प्रेपरेटरी फेज है। ठीक है, अब आप देखें, सो इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इज द प्रेपरेटरी फेज। ठीक है, एंड दिस इज द डिवाइडिंग फेज। ओके, so preparatory phase is the longest phase, so how can we define cell cycle, a series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produce new cells is called cell cycle। theek hai, pure series of events ki kaise cell mein preparation hui, phir wo cell mitosis mein enter hua, mitosis is a type of cell division, उसके बाद सेल डिवाइड हुआ बाय साइटोकाइनेसिस एंड फ्रॉम वन पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एंड दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड सेल साइकिल। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। मैंने भी आपने डायग्राम में देखा था कौन कौन से फेजेस थे, एक था प्रेपरेटरी फेज और एक था उसका डिवाइडिंग फेज। सो सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर फेजेस। ठीक है, कौन कौन से हैं, इंटरफेज, और इंटरफेज को हम क्या कहते हैं, इट्स अ प्रेपरेटरी फेज, एंड माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज मींस डिवाइडिंग फेज, जिसमें सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होता है। सो इंटरफेज इज अ मच लॉन्गर फेज where cell prepares itself for division, just like a recipe। क्या आप रेसिपी ट्राई करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए पहले प्रेपरेशन, मटीरियल की कलेक्शन, प्रेपरेशन ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू द कुकिंग टाइम। सो इंटरफेज प्रेपरेटरी फेज इट्स अ मच लॉन्गर फेज एज कम्पेयर टू दिस डिवाइडिंग फेज। ठीक है, इट्स अ रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जिसमें एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। सो देयर आर टू फेजेस ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। अच्छा जी, हम देखते हैं व्हाट इज इंटरफेज। अब मैं अभी हमने देखा था कि इंटरफेज इट्स अ प्रेपरेटरी फेज। आपको पता है इंटरफेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज। ठीक है, टू एंटर इनटू अ वेरी परफेक्ट डिवाइडिंग फेज there must be a very perfect interface। ठीक है, अब preparation बहुत important है कि जो जो चीज़ें required हैं dividing phase के लिए, division के लिए, they should be completed during the interphase। अच्छा, so interphase को कैसे हम define करते हैं, so interphase is the time when a cell's metabolic activity is very high and it performs its various functions। अब वो कौन कौन से फंक्शंस हैं और उसके कौन कौन से इवेंट्स हैं जो इंटरफेज में होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द इवेंट्स। इवेंट्स आर द G1 फेज। G1 इज द फर्स्ट गैप फेज, S फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, एंड G2 फेज दैट इज द सेकेंड गैप फेज। ठीक है, अच्छा जी, नाउ लेट्स स्टार्ट। एज यू हैव सीन इन द डायग्राम, G1 phase. G1 phase में क्या है, सेल इंक्रीजेस इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन, इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनल्स। ठीक है, क्योंकि एक सेल ने दो में डिवाइड होना है, सो डबल मटीरियल शुड बी प्रेजेंट इन द सेल, के जैसे सेल डिवाइड हो तो दो में वो डिवाइड हो जाए। सो सेल ऑर्गेनल्स दे बिकम doubled during the G1 phase। अच्छा जी, very important part, cell grows in size। ठीक है, and synthesis of various enzymes required for duplication of chromosomes। आप देखिए कितने important इसके events हैं,
प्रोटीन की सप्लाई इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स डबल होंगे, सेल का साइज ग्रो करेगा एंड एंजाइम्स फॉर द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन एंड एंजाइम्स फॉर डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज दे आर सिंथेसाइज दे आर मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग G1 फेज। ठीक है, अच्छा जी, G1 फेज टेक्स अबाउट 90% ऑफ टोटल सेल साइकिल टाइम। आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, इट्स G1 फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, क्योंकि इसके इवेंट्स बहुत ज्यादा हैं, सो इट इज ऑलमोस्ट 90% ऑफ टोटल सेल साइकिल टाइम। ठीक है, अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट इज द एस फेज। ठीक है, एज यू हैव सीन इन द डायग्राम कि एस फेज में क्या हो रहा है, इन दिस फेज सेल डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम और इसकी डुप्लीकेशन के लिए एंजाइम्स कहाँ मैन्युफैक्चर हुए थे, G1 फेज में, एंड ड्यूरिंग एस फेज देर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। आप डायग्राम में देख रहे हैं, देर इज अ क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस इन साइड द न्यूक्लियस। सो क्रोमोसोम्स कॉन्सिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमोटिड। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन द एस फेज इज द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एज यू हैव सीन इन द डायग्राम। और अब सेल किसमें एंटर होगा, G2 फेज में। ठीक है, अब G2 फेज के क्या इवेंट्स हैं, हम देखते हैं। G2 फेज सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन्स एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स नीडेड, वेरी नेसेसरी फॉर माइटोसिस। माइटोसिस की सारी प्रिपरेशन, विच टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स मीन्स एंजाइम्स, कि कौन कौन से एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स रिक्वायर्ड हैं, कौन से और मटीरियल्स रिक्वायर्ड हैं, दे ऑल आर प्रिपेयर इन G2 फेज एंड दीज प्रोटीन्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं। स्पिंडल फाइबर्स एक्चुअली ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं जो क्रोमोसोम्स को अटैच करने में, क्रोमोसोम्स को अलाइन करने में, क्रोमोसोम्स को शिफ्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, दे आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। होप G2 फेज आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द G0 फेज। अच्छा, आफ्टर हैविंग G2 फेज सम टाइम सेल स्टॉप डिवाइडिंग, और जिस फेज में सेल डिवीजन स्टॉप हो जाए उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं G0 फेज, एंड दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड स्टेट ऑफ क्वाइसेंस। ठीक है, क्वाइट फेज है, क्वाइट से है क्वाइसेंस। अच्छा, सो सेल्स दैट हैव टेम्परेरली, यानी कुछ टाइम के लिए, और परमानेंटली स्टॉप्ड डिवाइडिंग आर सेड टू हैव एंटर्ड अ स्टेट ऑफ क्वाइसेंस, जिसे हम कहते हैं G0 फेज। अच्छा, इसके बिना हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकती हैं कि समटाइम्स सेल्स रिमेन G0 फेज थ्रू आउट द लाइफ, समटाइम्स टेम्परली, समटाइम्स परमानेंटली, समटाइम वंस इन अ लाइफ साइकिल। सो सम सेल्स एंटर G0 फेज फ्रॉम G1 एंड स्टॉप डिवाइडिंग। अब वो कौन से सेल्स हम देखते हैं, सम सेल्स रिमेन इन G0 फेज फॉर इनडेफिनेट पीरियड, फॉर एग्जाम्पल न्यूरोन्स। न्यूरोन्स कौन से हैं, जो ब्रेन को मैसेज सेल्स, जो हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है, दैट इज द न्यूरोन। सो न्यूरोन सेल्स दे रिमेन इन G0 फेज इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो G0 फेज में चले जाते हैं। सो सम सेल्स एंटर G0 फेज सेमी परमानेंटली, यानी कि कुछ देर के लिए G0 फेज या नॉन डिवाइडिंग फेज में गए एंड देन दे अगेन कम बैक टू द डिवाइडिंग फेज, लिवर और किडनी के, क्योंकि लिवर सेल्स भी रीजनरेट हो सकते हैं, किडनी सेल्स भी रीजनरेट हो सकते हैं। सो आफ्टर G0 फेज जो उनका नॉन डिवाइडिंग फेज है, दे अगेन बिकम डिवाइडिंग सेल्स। सो मैनी सेल्स डू नॉट एंटर G0 फेज, और वो कौन से सेल्स हैं, एपिथेलियल यानी कि स्किन के सेल्स, बिकॉज स्किन के सेल्स दे कंटिन्यू टू डिवाइड, बिकॉज आपने देखा होगा ना स्किन पे कट्स आ गए, कोई ब्रूजेज आ गए, स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो गया स्किन पे, सो स्किन प्रॉब्लम्स के बाद स्किन की जो रीअपियरेंस होती है, दैट इज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेल्स। एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड, द सेल्स रिमेन इन द डिवाइडिंग फेज थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, ये एक बड़ा अमेजिंग फैक्ट है कि योर स्किन इज रीजनरेटिंग सिंस फ्रॉम योर चाइल्ड, सिंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल योर
ओल्ड एज। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सेल साइकिल। और वो कौन सा था? अभी हमने प्रेपरेटरी फेज को देखा, उसमें हमने फेजेस देखे, उसमें जी वन फेज था, एस फेज था, जी टू फेज था, जी नॉट फेज था। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं डिवाइडिंग फेज। सो व्हाट इज माइटोसिस? इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन द डॉटर सेल एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। डॉटर सेल्स में वो डिवीजन इन विच बोथ द डॉटर सेल्स कैरी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। जो पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वही डॉटर सेल्स में होंगे। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट एंड हिज नेम वॉज वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1880s। सो कीप वन थिंग इन योर माइंड, माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? हम अभी आपने बुक में आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सोमैटिक सेल्स विच आर प्रेजेंट इन होल ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, और वो जो कंप्लीट डिवाइडिंग फेज में रहते हैं, व्हेन एवर रिक्वायर्ड दे स्टार्ट डिवाइडिंग। और जर्म लाइन सेल्स कहते हैं द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स विच फॉर्म्स द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इजी है ना? अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि माइटोसिस के फेजेस क्या हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लेक्चर बिकॉज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन प्लीज डू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल गेट द मोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ सेल साइकिल। सो देर आर टू मेजर फेजेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, प्लीज इसको मिक्स मत कीजिएगा। फेजेज ऑफ सेल साइकिल थे इंटरफेज एंड माइटोसिस। ये हैं फेजेज ऑफ माइटोसिस। कौन से हैं? कैरियोकाइनेसिस। टू मेजर फेजेज हैं, कौन से? कैरियोकाइनेसिस। द वर्ड कैरियो यूज फॉर न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो कैरियोकाइनेसिस इज ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज साइटो वर्ड यूज फॉर साइटोप्लाज्म सेल। ठीक है, सो साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स सेल एंड काइनेसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो द डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस। अभी आपको मैंने बताया था डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। फोकस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, देखिए ये सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ एंड दिस फेज इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। अच्छा जी, हम कैरियोकाइनेसिस के फेजेस देख लेते हैं। देर आर फोर फेजेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन के फोर फेजेज हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोफेज, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं विच शुड बी क्लियर राइट नाउ। अब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो रिपीट होंगी नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला, वो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द टर्म्स टू नो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोफेज। और कौन कौन से हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। अब क्रोमेटिन क्या है? द जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस इन अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल्ड क्रोमेटिन। आप डायग्राम में देख रहे हैं, अगर ये थ्रेड लाइक लूज फॉर्म में है तो हम उसे कहते हैं क्रोमेटिन, और अगर ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक है, आप डायग्राम को एक बार देख लें। दिस क्रोमेटिन्स एंड दे बिकम, नाउ दे आर क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स। सो क्रोमेटिन का होना इंडिकेट करता है कि नॉन डिवाइडिंग फेज चल रहा है। क्रोमोसोम्स का अपीयर होना शो करता है कि डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सो ड्यूरिंग डिवाइडिंग फेज क्रोमेटिन नेटवर्क बिकम हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, और इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स।
अच्छा जी, अब देखते हैं काइनेटोकोर क्या है। काइनेटोकोर का वर्ड भी आगे होगा, यूज होगा। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। अच्छा याद रखें, काइनेटोकोर प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे भी, काइनेटोकोर प्रेजेंट है स्पिंडल फाइबर्स पे भी, काइनेटोकोर प्रेजेंट है हम सेंट्रोमियर में देखेंगे वहां पे भी काइनेटोकोर प्रेजेंट है। सो क्रोमोसोम का काइनेटोकोर प्रोटीन यानी कि प्रोटीन स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, स्पिंडल फाइबर्स पे प्रेजेंट है और सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट है। अच्छा जी, आप देखते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्या है, अब आप देखिए स्पिंडल फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन अटैचिंग द क्रोमोसोम्स टू देम आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसके साथ क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं, अरेंज होते हैं, अलाइन होते हैं, पुल होते हैं, मूव होते हैं, दीज फाइबर्स, दीज प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा जी, अब न्यूक्लियोलस क्या होता है। न्यूक्लियोलस होता है जैसे ही बिफोर सेल डिवीजन देर आर डार्क स्पॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और उन डार्क स्पॉट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और ये वो स्पॉट्स हैं जहां पर एक्चुअली आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए फॉर्मड होके एक नया राइबोसोम बनाता है। और आपको पता है राइबोसोम से आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स के असेंबल होने से एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है। सो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर होना हो, सो दिस इज ऑल ड्यू टू दिस द राइबोसोमल आरएनए। और वो जो ब्लैक स्पॉट्स हैं इन द न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। सेंट्रोमियर, अब सेंट्रोमियर क्या है। सेंट्रोमियर एज यू हैव सीन इन द डायग्राम, सेंट्रोमियर इज अ पार्ट वेयर द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब देखिए ना, ये आपने नजर आ रही है, ये दीज आर द क्रोमेटिड्स। ये एक पूरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इट्स अ कंप्लीट क्रोमोसोम। ये काइनेटोकोर प्रोटीन है, ये इसके स्पिंडल फाइबर्स हैं और ये इसके क्रोमेटिड्स हैं। और वो पॉइंट सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स, देखे 1, 2, 3, 4 क्रोमेटिड्स दे आर अटैच्ड। सो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। अच्छा जी, माइटोटिक स्पिंडल क्या है। माइटोटिक स्पिंडल कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब आप देखें, ये जो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम में आप देखें कि यहाँ पर पोल पे पूरा स्पिंडल फाइबर्स का सेट प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल्स। सो कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल। अच्छा, अब यही टर्म्स आगे इंशाल्लाह ताला यूज होंगी। नाउ लेट स्टार्ट विद द प्रोफेज। प्रोफेज क्या है। अच्छा, प्रोफेज स्टार्ट होता है एज यू हैव सीन इन द डायग्राम। ये प्रोफेज के इवेंट्स कैसे होंगे। प्रोफेज के इवेंट्स ये हैं, सबसे पहला होता है कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि पहले क्रोमेटिन नेटवर्क था, लूज थ्रेड्स थे, वो बिल्कुल आपस में मिंगल्ड हुए थे, देन दे बिकम हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, और इस हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। सो एट द स्टार्ट ऑफ प्रोफेज क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स। अच्छा, द जेनेटिक मटीरियल ऑलरेडी डबल्ड इन एस फेज दे बाउंड टूगेदर टू द काइनेटोकोर। अब यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं ऑलरेडी डबल्ड हो चुके हैं, दे बिकम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स। अब हम देखें ना, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में बिफोर डिवीजन यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ ये क्रोमोसोम्स इन स्पिंडल फाइबर्स से अटैच होंगे थ्रू द काइनेटोकोर प्रोटीन। अच्छा जी, ईच सेंट्रियोल, सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गेनल है, हमने पढ़ा होगा जिनके आपने सेंट्रियोल, जब आप सेल ऑर्गेनल्स को एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करेंगे देन यू विल लर्न कि सेंट्रियोल्स में कुछ ऐसे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स थे और वो क्या बना रहे थे स्पिंडल फाइबर्स। और इस एनिमल सेल में सेंट्रियोल डिवाइड करता है इन द प्रोफेज। देखिए, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, दे डिवाइड, दे मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, then the spindle fibers they are formed through these centrioles, they attach the chromosomes to them and then chromosomes attach to the spindle fibers. अच्छा जी, both centrosomes, अब हमने centrosomes किसको कहा है, centriole को, और उसके बाद साथ जो kinetochore attach है, they are called centrosomes.
नाउ अब हमने याद रखना है स्पिंडल फाइबर्स और क्रोमोसोम्स को हम कंबाइन करके कहते हैं सेंट्रोसोम्स। ठीक है, अब ये सेंट्रियोल्स है ना, ये सेंट्रियोल्स, ठीक है, अब ये सेंट्रियोल्स से क्रोमोसोम्स अटैच हैं, देन दे मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ठीक है, ये दोनों पोल्स की तरफ जा रहे हैं, एक सेंट्रोमियर का सेट इधर बनेगा, सेंट्रोसोम का सेट इधर बनेगा, एक सेंट्रोसोम का सेट इधर बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, इस स्टेज पे क्या है, आप देखिए आपको नजर आ रहा है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डिसअपियर हो गई है, ये जो इसके अंदर न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपियर हो गया है और क्रोमोसोम्स फ्री हो गए हैं। ठीक, सो न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर कवर्स द सेंट्रल स्पेस। अब आप देखें स्पिंडल फाइबर्स पूरे पूरे सेल में कंप्लीटली स्प्रेड आउट हो जाते हैं। सो प्लांट सेल में न्यूक्लियस हैज टू माइग्रेट टू द सेल बिफोर प्रोफेज, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। सो प्लांट्स में कोई सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिनल फाइबर्स कैसे बनते हैं, साइटोप्लाज्म में ही कुछ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो के स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, इन सब इवेंट्स को आप एक दफा और से देखें कि क्या है, कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, देन द अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टू काइनेटोकोर, सेंट्रियोल की डिवीजन, देन सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना, स्पिंडल फाइबर कवर्स द सेंट्रल स्पेस। इन प्लांट्स दीज स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्यूबुलिन प्रोटीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आप इस डायग्राम से इसको रिलेट करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड वेल। अब आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, क्रोमोसोम बिकम फ्री, दे अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव मेटाफेज। अब आप मेटाफेज में देखें, डायग्राम में देख रहे हैं मेटाफेज में क्या हो रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल डायग्राम। एज यू हैव सीन इन द डायग्राम देयर इज एन अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स देखे अलाइन हो रहे हैं, क्रोमोसोम ऑलरेडी अटैच हो चुके थे, न्यूक्लियर डिसअपियर हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है, सो दे अलाइन एट द इक्वेटर अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटर क्या होता है, सेंटर ऑफ सेल, ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ सेल में ये सब क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं। सो स्पिंडल फाइबर्स हैव ग्रोन टू सफिशियंट लेंथ, अब देखते हैं, और इतने सफिशियंट लेंथ होती है कि द क्रोमोसोम ऑलमोस्ट रीच टू द सेंटर ऑफ द सेल। सम काइनेटिक कोर फाइबर्स अटैच विद द काइनेटिक कोर ऑफ क्रोमोसोम्स, अभी क्रोमोसोम्स कैसे मूव कर रहे हैं, काइनेटिक कोर है सेंट्रियोल का, काइनेटिक कोर है स्पिंडल फाइबर्स का, काइनेटिक कोर है क्रोमोसोम्स का, दे ऑल अटैच्ड द क्रोमोसोम एंड दे मेक पॉसिबल द क्रोमोसोम्स टू मूव टू द सेंटर। ठीक है, अब इसका जो मेटाफेज का मेन इवेंट है दैट इज द क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर फॉर्मिंग मेटाफेज प्लेट। अच्छा जी, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट सेंट्रोमियर्स अटैच विद ईच अदर, अब आप इसके कलर्स देख रहे हैं, द कलर्स इंडिकेट के कौन से क्रोमोसोम्स किसके साथ अटैच हो रहे हैं, एंड देन दे डिवाइड एंड देन इन द नेक्स्ट फेज दैट इज द एनाफेज अ पुलिंग फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेंट्रोसोम डिवाइडिंग द क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, डायग्राम में देखें एक पुल डेवलप हो रही है फ्रॉम द पोलर रीजन, और पोल्स ये हैं, ठीक है, ये पोलर रीजन है, इससे एक पुल डेवलप हो रही है दैट डिवाइडिंग द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स कहाँ से ब्रेकअप होते हैं, फ्रॉम द सेंट्रोमियर। ठीक है, फ्रॉम दिस सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स डिवाइडेड। ठीक है, ये देखें अभी क्रोमोसोम्स के दो सेट्स हैं और दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ पुल हो रहे हैं। सो अब इस स्टेज पे देखें टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्मड एट ऑपोजिट पोल्स। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड दैट इज द टेलोफेज, एंड इट इज एग्जैक्टली द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। जो प्रोफेज में हुआ था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ, क्रोमोसोम्स फ्री हो गए, क्रोमेटिन नेटवर्क खत्म हो गया, क्रोमेटिन कुछ क्रोमोसोम्स आर फॉर्मड, सो उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, अ न्यू न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स। ठीक है,
And both sets of chromosomes now each surrounded by a nuclear membrane. So chromosomes unfold back into the chromatin network, and at this stage nuclear division is completed. ठीक है. अच्छा जब हम देखते हैं कि व्हाट इज साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस मैंने आपको बताया था द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, एक सेल का दो सेल में डिवाइड होना इज द साइटोकाइनेसिस. अच्छा साइटोकाइनेसिस एनिमल्स और प्लांट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स, आप देखें इन एनिमल्स एज यू हैव सीन द डायग्राम कि ये ऑलरेडी दो न्यूक्लियाई हमारे पास आ गए हैं. नाउ एक छोटा सा क्लीवेज डेवलप होता है. ये क्लीवेज देन डीपन्स एंड डीपन्स एंड डीपन्स एंड डिवाइडिंग द वन सेल इनटू टू सेल्स. और इस क्लीवेज को हम क्या कहते हैं, ये क्लीवेज इज अ पॉइंट वेयर द टू सेल्स सेपरेटिंग फ्रॉम वन अनदर. सो इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय अ प्रोसेस नोन एज क्लीवेज. क्लीवेज होता है ब्रेक डाउन. सो अ क्लीवेज फरो डेवलप्स वेयर मेटाफेज प्लेट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, जहां पर हमने देखा था क्रोमोसोम्स अरेंज हो रहे थे दरमियान में, ऑलमोस्ट उसी जगह पर ये क्लीवेज डेवलप होता है. ये क्लीवेज डीपन होता है देन डिवाइडिंग द वन सेल इनटू टू सेल्स. सो डिवाइडिंग वन पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स. द फरो डीपन्स इवेंचुअली डिवाइडेड द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स. अच्छा जी प्लांट्स में देख लेते हैं कि प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस क्या होता है. प्लांट्स में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है. प्लांट्स में जो आपने गोल्जी बॉडीज से पढ़ा होगा, गोल्जी अपरेटस से कुछ मेम्ब्रेन्स अराइज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं वेजिकल्स. सो दीज वेजिकल्स दे देन अटैच्ड, दे अराइजेस मूव टू द मिडल ऑफ द सेल, फ्यूज टू द, आप देखें यहाँ पे इस आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि कुछ वेजिकल्स हैं ये. ठीक है, ये वेजिकल्स हैं, देन दे फ्यूज. ये फ्यूज करके क्या बना रहे हैं, एक प्लेट. वो प्लेट किससे फ्यूज होती है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर किससे फ्यूज होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से. सो इवेंचुअली एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है बिकॉज सेल वॉल इज टू हार्ड. और इस प्लेट को हम क्या कहते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट. ठीक है, आप देखिए ये गोल्जी कुछ वेजिकल्स हैं. So now let's sum up the all the dividing phase. और ये कौन कौन से dividing phase के sum ups हैं.